पूर्व रेसलर द ग्रेट खली, जिन्होंने अपने रेसलिंग से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया और विश्व के सबसे बड़े रेसलिंग प्लेटफॉर्म WWE पर देश का नाम रोशन किया, अब उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। द ग्रेट खली अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। खली ने BJP का दामन थामने के बाद PM मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मोदी के रूप में देश को सही प्रधानमंत्री मिला है। आपको बता दें, द ग्रेट खली का असली नाम दलीप सिंह राणा है और BJP के साथ जुड़ने पर उन्होंने कहा है कि BJP से जुड़ने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। अगर पैसे ही कमाने होते तो अमेरिका में ही रहता, लेकिन मैं भारत आया क्योंकि मुझे देश से प्यार है। मैंने देखा है कि मोदी के रूप में देश को सही प्रधानमंत्री मिला है। मुझे लगा क्यों ना देश में रहकर साथ जुड़कर देश को आगे ले जाने में योगदान दूं। इस पर केंद्रीय मंत्री और BJP के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने कहा है कि द ग्रेट खली के हमारे साथ जुड़ने से युवाओं के साथ साथ देश के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। वहीं द ग्रेट खली के BJP में शामिल होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि द ग्रेट खली को उनके इंस्टाग्राम के अनुसार BJP में शामिल होते देखकर अच्छा लगा। उनके प्रशंसकों को लगता है कि वह असंभव काम कर सकते हैं। PM मोदी और उनके बीच काफी समानता है। आपको बता दें कि खली WWE के साथ साथ फिल्मों में भी काम किए हैं। वह TV शो बिग बॉस में हिस्सा ले चुके हैं। WWE में जाने से पहले खली पंजाब पुलिस में ASI के पद पर थे। उन्हें अमेरिका में 2021 के प्रतिष्ठित WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।